अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं बनाने लगी हूँ कंडेंस मिल्क ब्रेड। तो जिसके लिए मैंने लिया 1 कप गरम दूध। सो मैंने शामिल किया था 2 टेबलस्पून ईस्ट के, 1 बड़ा अंडा, 2 चुटकी नमक के, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए कंडेंस मिल्क के और 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल के। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 कप मैदा। मैंने छान लिया था वो, बस इसमें ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से और फिर इसको गूंद लूंगी। इसमें आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूध इतना ही है कि जो अच्छी तरह से डो जो है ना वो बन जाएगी। और ये देखें डो बन गई है, मैंने अब इसको अच्छी तरह से ना कवर करके रख दूंगी 2 घंटों के लिए। जब ये राइस हो जाएगी तो फिर मैं इसको बनाऊंगी। और यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, डो बड़ी अच्छी तरह से राइस हो गई थी। अब मैं इसको काउंटर पर रख के अच्छी तरह से बेल लूँगी और फिर मैं इसकी जो है ब्रेड जो उसकी शेप दे दूँगी। जी मैंने इसको ना इस तरह राउंड करके इस तरह पेड़ा बनाते हैं ना पराठे के लिए वैसे बनाया। अगर आप चाहें तो आप इसको जिस तरह मर्जी आप इसको शेप दे सकते हैं। बस मैं इसको गोल से इस तरह बना के मैं इसको रख दूंगी एक बर्तन में। जब ये थोड़ी सी राइज होगी तो मैंने इस पर लगा दिया था अंडा और फिर मैं इसके ऊपर थोड़े से ना कट्स लगा दूंगी ताकि ब्रेड को ना काटने में आसानी हो। इसके ऊपर अच्छी तरह अंडा लगाने के बाद मैं इसको रख दूंगी बेक होने के लिए। और ये देखिए मज़ेदार सी कंडेंस मिल्क जो है ना ब्रेड हमारी रेडी है। अच्छा ये गर्म गर्म है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ना लगा रही हूँ, सही इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। बस इसको आप सर्व कीजिए, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।